फैमिली वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो पे से ये नया ब्लॉग आप लोगों के लिए। तो शाम में आज हम लोग वीडियो स्टार्ट किए हैं और अभी क्यारा भी मेरे पास, मतलब अभी सो के जस्ट उठी है और ऊपर आ गई है मेरे साथ और अभी क्या करने आए हैं, अभी हम लोग कपड़ा उठाने आए हैं और अभी बज रहा है कितना, 4:45 बजने वाला है। हाँ बेटा, तो अभी मतलब हम कपड़ा उठा के थोड़ा देर छत पे टहलते हैं आधा घंटा कम से कम, तब तक तो ये भी आ जाते हैं ऑफिस से। 5:30 बजे तक ये भी आते हैं क्योंकि पैदल जाते हैं, तो आज पैदल गए हैं तो 15-20 मिनट तो आने में लग जाता है और कुछ कुछ सामान खरीदने में तो आधा घंटा मैक्सिमम इनको आने में लग जाता है, तो 5:30 बजे तक आएंगे। और हाँ, और क्या रहा, टहलू टहलू कर रहे हैं छत पर ना, क्या रहा ना बिट्टू बोलो, तुमको क्या होना है, क्या रहा बड़ा, तुमको बड़ा होना है। अभी तो बोल रही थी हमको बड़ा नहीं होना है मम्मी, छोटा ही रहना है। तो आज हम कुछ बनाने वाले हैं, कुछ रेसिपी, मैगी, नो मैगी क्या रहा, हेल्दी रेसिपी बनाने वाले हैं। फिर से हेल्दी भी नहीं बोलेंगे, मतलब उसमें तेल मसाला कुछ कम पड़ता है। और इनको हम लाने बोले हैं सूजी और बेसन, और तो उसमें कुछ पड़ता नहीं है, नमक हल्दी और मिर्ची, तो बस इतना ही है। तो वो दोनों सामान लाने बोले हैं और ये लेके आएंगे तब आपको दिखाएंगे रेसिपी इसको। ये दो गुलाब का फूल ये लगाए हैं, क्या रहा टच मत करो, पीटेंगे पापा, टच मत करो। तो ये दोनों फूल लगाए हैं और इसमें भी कोई फूल लगाए हैं, मतलब कोई पेड़ लगाए हैं, तो ये भी आ जाएगा कुछ दिन में। तो कैसा लग रहा है, येलो एंड रेड रोज। ये ऑफिस से आ गए हैं और बज रहा है 6:45, देख लीजिए आप लोग 6:45, हम 5:30 बजे थे और 6:45 बज रहा है। और ऊपर से इनको हम लाने बोले थे सूजी और झूठ बोल रहे हो तो तुम, सिर्फ बेसन नहीं आपको सुनाई नहीं दिया, और क्यारा के लिए वो बिस्किट, तो हम बिस्किट देखो क्यारा दिखा भी रही है और बेसन हम 2-4 बाद में जब हम रास्ते लेके आए हैं बस बेसन, तो बोलते कि नहीं नहीं सूजी और दही भी लेना था, नाटक तो तुम कर रही हो, हम तो कुछ नाटक किए नहीं, गजब हो गया, गजब तुम कर देती हो, बताइए आप ही लोग बताइए, देखिए गजब है। तो मेरे पास पहले वाला थोड़ा सूजी था, जो सूजी था उसमें हम देख रहे थे कीड़ा तो नहीं है, देख लीजिए आप लोग भी कीड़ा है कैसे, नहीं है। तो इसी से हम चलिए बनाते हैं थोड़ा सा खमन ढोकला। हे गाइस, तो हम आपको दिखाने वाले हैं कि ढोकला में क्या क्या हम दे रहे हैं और अभी स्टार्ट करते हैं बेसन से। तो थोड़ा सा बेसन लिए हैं, और थोड़ा सा सूजी लिए हैं, मतलब सूजी ज़्यादा लिए हैं और बेसन कम लिए हैं। और उसके बाद मेरे पास थोड़ा सा दही था रखा हुआ, क्योंकि इसमें दही लगता है, तो थोड़ा दही डाल रहे हैं, चिल्ली, तेल, हल्दी पाउडर, कलर आने के लिए हल्दी पाउडर और नमक, स्वाद अनुसार नमक, और इसके साथ साथ थोड़ा पानी डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे। इसको थोड़े 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि सूजी फूल जाए, और उसके बाद थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालेंगे। गाइस, तो ये थोड़ा सा फूल गया है सूजी 5 मिनट बाद, तो इसमें थोड़ा
बेकिंग सोडा डालेंगे। तो इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे और फिर इसको मिक्स करने के बाद डायरेक्ट इसको चढ़ा दें। फिर इसको ये कटोरा में थोड़ा सा तेल ग्रीस कर दिए हैं और ये पानी खोलने के लिए यहाँ पे चढ़ा दिए हैं। जब पानी उबल जाए तो फिर इसको इसमें डालेंगे। एक मिनट। हे गाइस, तो अभी हम यहाँ चेक करेंगे हुआ है कि नहीं। तो ये हो गया है मेरा ढोकला। तो अब इसको निकाल लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। तो दिखाते हैं अभी। तो ये देखिए खुश कितना हो रहा है। बना तुम्हारा क्या? बस बन ही रहा। टूट गया। टूट गया, हद हो गया ना। इसको थाली में देना चाहिए था। हाँ, थाली में दिया जाता है, मतलब प्लेन जो साइड से उखड़ जाए। लेकिन ये टेस्टी बना। लग तो रहा है अच्छा देखने में, क्योंकि अब इसको फ्राई करना है। इसको फ्राई भी करना है। तो मेरा ढोकला टूट गया, तेल भी दिए थे। टेस्ट करें क्या? टेस्ट करिए, नमक कम है क्या? मस्त है, नमक ठीक है। तो इसको अब थोड़ा सा हल्का सा तेल में फ्राई करेंगे जल्दी, क्योंकि भूख लग गया है, शाम हो गया है और सबको बहुत जोर से भूख लग गया है। ये तो बोल के गए मस्त है, अब सही बोले हैं यार गलत पता नहीं। वैसे भी हमको इसको काटना ही था तो हम इसको काट ही रहे हैं। देखिए कितना सॉफ्ट सॉफ्ट तो बहुत बना है। और हमको बहुत ज्यादा वाला सॉफ्ट पसंद नहीं है, यही वाला सॉफ्ट, मतलब थोड़ा कड़ा भी होना चाहिए। और वाओ, स्मेल तो बहुत अच्छा आ रहा है। तो जिसको जिसको खाना है, जो जो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, और जिसको जिसको खाना है ये ढोकला, तो जल्दी जल्दी आ जाइए और आपको खिलाते हैं गर्मा गर्म ढोकला। थोड़ा सा तेल देंगे इसको फ्राई करने के लिए। आपको दिख तो नहीं रहा होगा क्योंकि हम एक हाथ से पकड़ भी नहीं सकते हैं और ये तो मेरा वीडियो शूट करते नहीं है। थोड़ा सा राई और जीरा, थोड़ा राई और जीरा देंगे इसमें। और ये कड़ी लिप्स है, आपको दिख रहा है, और मिर्ची, हरा मिर्ची दोनों साथ में देंगे। थोड़ा सा इस ये पूरा पानी वाला रहता है तो बहुत ज़्यादा पड़ता है। एक मिनट, इसलिए पूरा कम। तो किसको किसको खाना है जल्दी आ जाइए। मेरा टेस्टी ढोकला तैयार है। टेस्टी वाला रहने देते हैं। नेहा अभी बना रही थी ढोकला और देखिए कैसे बना रही है, गिम्बल में बना रही है। गिम्बल काम कर रहा है, दिखाओ तो, साइड हो तो। नहीं काम नहीं कर रहा। ओ, ऐसे काम करता है इसको, बस तुम आ गए हम बताते हैं, तुम यही रहो। देखो तो काम कर रहा है, तुम्हारे पे जा रहा है। लेकिन हाँ तो वो भी आएगा, सब फंक्शन इसमें ऐसे। तो अब इसको खोलेंगे, फर्स्ट में दिखाएंगे। आटा लेगी, इसका तो अलग रहता है आटा। तो ये देखिए बहुत टेस्टी लग रहा है दिखने में, तो पता नहीं खाने में कैसा लगेगा। देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है, खाने में भी अच्छा ही लगेगा है ना। बड़ा मजा आ रहा है तुमको बना के ना। हाँ। और हम खाना का भी यहाँ तैयारी किए हुए, देख लीजिए क्या
सारा खाना का तैयारी किया हुआ है। शिमला मिर्च गोभी क्या रहा तुम क्या ओ, देखो इसका चोरी आटा चोरी कर रही है तुम हद हो गया दिखाओ हाथ में क्या है चल दो पापा को गिव मी अजब हो गया बना किसी बाप ना ही गुन गाते रहोगी भूख लग गया बन गया अब इसको निकाल ही रहे तो चलिए गर्मा गर्म चलो कह रहा गर्मा गर्म ढोकला खाएंगे तो आप खा के बताइए कैसा बना अच्छा ही बना होगा ढोकला खा रहे हैं और आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसा बना है क्योंकि बहुत दिन से बाहर का खाए भी नहीं ना तो ये बाहर का है तेल भी बहुत कम पड़ा मस्त बहुत मस्त बना बहुत मस्त बना क्या रहा खाना Sitting lonely in my room again Trying to find the words to say But nothing comes out I am looking for the better days